वैक्सीन की तैयारियां क्या की गई हैं इसको लेकर? टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाने की बात है या बेड्स बढ़ाने की बात है, वैक्सीनेशन की बात है, सभी क्षेत्रों में बहुत तेज से काम चल रहा है और हर प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि किसी भी इवेंचुअलिटी को निपटने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना है। मुझे जिम्स में आज आया था, खासतौर से आपने बताया डॉक्टर साहब ने यहाँ पर 250 बेड्स हैं और अधिकांश बेड्स के पास ऑक्सीजन भी है। इसके अतिरिक्त 80 बेड्स हमारे ICU के हैं जिसमें HFNC भी शामिल है। मुझे जिम्स में आज आया था, खासतौर से आपने बताया डॉक्टर साहब ने यहाँ पर 250 बेड्स हैं और अधिकांश बेड्स के पास ऑक्सीजन भी है। इसके अतिरिक्त 80 बेड्स हमारे ICU के हैं जिसमें HFNC भी शामिल है। आज की तारीख में लगभग 105 पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती। मैंने पेशेंट से फीडबैक भी लिया, उनके टेलीफोन नंबर लेके उनसे 7-8 पेशेंट से हमने और मान्य विधायक जी ने बात भी करी। उन्होंने संतोष व्यक्त किया यहाँ की व्यवस्थाओं का, चाहे वो दवा की बात हो, चाहे फैकल्टी मेंबर्स के दौरे की बात हो, या जो सुविधाएँ उनको अमन है, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे भोजन की हो या सफाई इत्यादि की हो, उसके लिए उन्होंने संतुष्टि। मंत्री जी, यहाँ पर जो है वैक्सीन की भी सफर लग रही थी, अब सिर्फ 5 सरकारी नहीं है वैक्सीन के लिए गाड़ी नहीं, अभी भी जिला अस्पताल में लोग जो है मारामारी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दर्ज है। 12 बजे गाड़ी जा रही है, 4 बजे आगरे से मिलेगी, शाम तक आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि टीका महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे टीकाकरण नहीं हो रहा है। टीकाकरण हो रहा है यहाँ तो लोग नोएडा में हो रहे हैं, नोएडा में नहीं हो रहे ना सर, यहाँ सिर्फ 57 जगह से 5 जगह हो रहे हैं। शनिवार बहुत बड़ी चीज़ है, शनिवार को आ रहा ही होता है।